सोनभद्र में हुए नरसंहार के विरोध में दोषियों को फांसी दिलाने के लिए इंदौर में कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई एवं एसडीएम महोदय को ज्ञापन भी सौंपा गया। भारी बारिश होने के बाद भी मार्च नहीं रुका। बारिश में गीले होते हुए आदिवासी समाज जन सोनभद्र के हत्यारों को फांसी हो के नारों के साथ आगे बढ़ते रहे। नेहरू पार्क से शुरू हुई यह रैली छोटी ग्वाल टोली होते हुए मधुमिलन चौराहे से रिगल चौराहे तक गई। वहां गांधी प्रतिमा के सामने कैंडल जलाकर सोनभद्र के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद एसडीएम महोदय को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही मांग की गई कि मृतकों के परिजनों को न्याय मिले एवं जो भी दोषी है उन्हें फांसी की सजा के साथ ही यह भी मांग की गई कि मृतकों के परिवार को 1 करोड़ रुपए के आर्थिक मुआवजे की मांग भी की गई। जैसा कि सर्वविदित है कि दर्दनाक व जघन हत्याकांड की घटना हमारे आदिवासी समाज के साथ घटित हुई है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के घोरावल इलाके में मूर्तियां गांव में दिनांक 17 जुलाई को सुबह लगभग 11 बजे जमीन के विवाद को लेकर स्थानीय दबंगों द्वारा 32 ट्रैक्टर और ट्राली में सवार होकर आदिवासियों के ऊपर सीधा हमला बोला तथा फायरिंग में 10 आदिवासियों की मौत हो गई और 20 से 25 लोग घायल हुए। इस घटनाक्रम में मृतकों का अंतिम क्रियाक्रम भी परंपरा अनुसार नहीं करने दिया गया। मृतकों के परिवार को डेड बॉडी तक नहीं सौंपी गई और प्रशासन द्वारा मृतकों को गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। इस गंभीर व विकट स्थिति में प्रभावित आदिवासियों को देश भर में सहयोग किया जाना चाहिए। आदिवासियों के खिलाफ हो रहे दमन, शोषण, अत्याचार के खिलाफ चारों ओर से आवाज बुलंद होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए आदिवासी समन्वय मंच भारत तथा देश के तमाम आदिवासी जन संगठनों के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। आज इंदौर में हम सोनभद्र में उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र में हुए 10 आदिवासियों के नरसंहार एवं 25 आदिवासी घायल आदिवासियों के समर्थन में और जो 10 आदिवासियों को मारा गया है उनके खिलाफ हम कैंडल मार्च से निकल रहे हैं। आज जो पूरे भारत देश में आदिवासियों के आह्वान पर आदिवासी समन्वय मंच भारत के एक कोऑर्डिनेशन से ये सोनभद्र में जो 17 जुलाई 2019 को एक नरसंहार हुआ और निर्मम हत्या, निहत्य लोगों को मार दिया गया है, एक एक करके 17 लोगों को मारा है और वो भी सुनियोजित ढंग से और ये षड्यंत्रकारी लोगों ने किया है। इसमें हमें ऐसी शंका है, कुशंका है, इसमें सारे लोग मिले हुए हैं और तभी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। जब ये विवाद 1947 से चल रहा था और दबंगों ने वहाँ की जमीन को कब्जाया और वो चालाकी से पढ़े लिखे होने की वजह से, अपनी कहने की समझदारी की वजह से कागजों में हेरा फेरी की और हमारे भाइयों को विस्थापित करने का प्रयास किया, उन्हें कब्जाधारी से हटाने का प्रयास किया, लेकिन वो हटे नहीं, डटे रहे, क्योंकि वो हमारे पुरखों की जमीन है, उसको वो पीढ़ियों को हस्तांतरित करना चाहते थे। और अंत में जब ये एक IAS अधिकारी के द्वारा षड्यंत्र के माध्यम से अपने नाम के जमीन की, बेटी के नाम पे जमीन की, पत्नी के नाम पे जमीन की, तत्पश्चात एक सोसाइटी के नाम पे जमीन की, फिर भी बात नहीं बनी तो वहाँ के एक दबंग व्यक्ति को बेचा और कब्जा हथियाने के लिए षड्यंत्र पूर्वक 32 ट्राली भर के हथियारबंद लोग आए। पहले आधे लोग आए तो खेत में जाके उन्होंने अतिक्रमण करने की कोशिश की। जैसे ही हमारे भाई निकल के उनको खदेड़ने की कोशिश की तो बंदूकधारी लोग सामने आए और लगातार फायरिंग की और नहीं।